दोस्तों आज हम लोग बजीज चिक्स जो एक्सपायर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आपको देखने मिलेगा कॉलोनीज में। जो सेपरेट केज है उसमें ये प्रॉब्लम उतना नहीं रहता है, लेकिन कॉलोनीज में ये प्रॉब्लम होता है कि बजीज चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारा कारण है बजीज चिक्स मतलब एक्सपायर होने का, उसमें से कुछ कारण आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें से कुछ जो है हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ ऐसा है जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम लोग जो कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम लोग कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे वो आप कंट्रोल कर पाए। तो पहले एक चीज़ देखते हैं, जैसे बजीज का चिक्स होता है, जैसे बजीज 5 या 6 या 7 अंडा जो देंगे, जो भी आपका हैच होगा। तो मान लीजिए 5 अंडा आपका हैच हो रहा है, तो 5 अंडा जब हैच होता है तो पहला और पांचवा अंडे में काफ़ी अंतर रहता है, समय का अंतर रहता है हैचिंग का। तो जब लास्ट वाला अंडा हैच होता है तो जो फर्स्ट वाला अंडा हैच हुआ था वो बजीज का चिक्स थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो उससे होता ये है कि उसका पेरेंट्स जब उसको चिक्स को खिलाने आते हैं तो बड़ा चिक्स जो है वो सब खा लेते हैं, लेकिन छोटा चिक्स जो है वो उतना मतलब उसको उतना फीडिंग नहीं मिल पाता है। उससे कभी कभी वो कमज़ोर हो जाता है और उससे उसका डेथ हो जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर केस में ही होता है। जो बजीज फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं या सेकंड टाइम ब्रीड कर रहे हैं उसके चिक्स के साथ ही कभी कभी ऐसा देखा जाता है। ये हमेशा सबके साथ नहीं होता। जो पेरेंट्स का एक्सपीरियंस नहीं होता है वो कभी कभी उसी के साथ ये होता है। हो सकता है कि आपका कॉलोनी में भी इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिले। और दूसरा है कि कॉलोनी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि एक नेस्ट में मान लीजिए बजीज का चिक्स है और कोई और दूसरा फीमेल जो है वो आके वो चिक्स को मार देता है या फिर उन लोगों को नेस्ट से नीचे गिरा देता है, उससे भी डेथ हो सकता है। लेकिन आपके पास अगर सफिशियंट खाना है, आपके कॉलोनी में सफिशियंट खाना है, कैल्शियम प्रोटीन विटामिन का कुछ कमी नहीं है और स्पेस भी ठीक ठाक है, तो ऐसा चांस बहुत ही कम रहता है कि दूसरा बर्ड का नेस्ट में घुस के उन लोगों का चिक्स को मार दे। तो ये भी पॉइंट है एक, बट इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 पेयर बजीज है तो आप 2-4 नेस्ट बॉक्स या फिर मटकी अलग से एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। उससे होगा ये कि अगर बाई चांस किसी को कोई मटकी और या फिर केज का कोई पोजीशन पसंद नहीं आया कोई भी बजीज को, तो वो अपना नेस्ट बॉक्स चेंज कर सकता है। और आप मार्क करके रखिएगा कि मान लीजिए कोई भी बजीज अगर कोई नेस्ट बॉक्स चेंज कर रहा है तो वो जगह में जहाँ पे आप नेस्ट बॉक्स लगाए थे पहले जिसमें वो बजीज था, तो वो अगर चेंज कर ले रहा है तो वहाँ पे कोई दिक्कत होगा, वो कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसीलिए वो चेंज किया, तो वो नेस्ट बॉक्स को हटा के दूसरा कोई जगह में लगा दीजिएगा। अभी और एक पॉइंट देखना है, जैसे जो हम लोग सीड्स वगैरह रखते हैं उसमें, तो कोई ये करते हैं कि रात को पानी और दाना दोनों निकाल देते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सा काम है जो भी बर्ड ब्रीडर है उसमें से अधिकतर तो यही करते हैं, क्योंकि रात भर पानी केज में रह जाता है, उसमें पैरासाइट वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बजीज जब अंडे में बैठती है तो उसका मेल जो है उसको खाना ले जाके खिलाता है। तो कभी कभी होता ये है कि मेल उतना उसको अच्छे से नहीं खिला पाया, उन दोनों के बीच में उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं हो पाया। अगर ये कॉलोनी में है तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि मेल उतना अच्छे से नहीं खिला पाया, तो फीमेल अंडे से उठ के आती है और दाना खा के जाती है या फिर सीड्स जो भी आप दे के रखिए वो खा के जाएगी। तो अगर आप मान लीजिए उसको रात को निकाल देंगे और उस टाइम उसको अगर खाने का दरकार पड़ा या फिर चिक्स को खिलाने का दरकार पड़ा तो वो नहीं हो पाएगा, या फिर जैसे आप सुबह उठे तो सुबह आपको सीड्स देने में लेट हो गया तो वो उस टाइम भी आपको मतलब वो खिलाना स्किप हो जाता है या फिर जो भी है थोड़ा सा उसमें दिक्कत आता है। तो आप सीड्स को जो है 24 घंटा केज के अंदर रखिए जब आपका बजीज अंडे पे बैठी है तब। और दूसरा है कि पानी आप रात को निकालेंगे तभी जब ठंडा का टाइम, लेकिन बाकी जो टाइम है जैसे गर्मी हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस टाइम आप ब्रीड ले रहे हो, उस टाइम ब्रीड ना ही ले तो बेहतर है, लेकिन ले सकते हैं, लेकिन लेंगे तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रात को पानी अवेलेबल हो ताकि एकदम सुबह सुबह उसको पानी पीने का दरकार पड़े तो आके पानी पी सके। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो इसमें भी थोड़ा बहुत वो बजीज चिक्स एक्सपायर होने का मतलब जो कॉज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और दूसरा है कि आपका सॉफ्ट फूड एक बहुत ही प्रॉब्लम करता है। जैसे बजीज चिक्स आपके मतलब नेस्ट बॉक्स में है और आप सॉफ्ट फूड उसको ज़्यादातर सॉफ्ट फूड ही दे रहे हैं और नेस्ट बॉक्स में और आपके केज में जो है सीड्स कम है, तो अगर सीड्स कम है तो दूसरा बजीज सीड्स खा लिए और जो चिक्स को ज़्यादा सॉफ्ट फूड खिलाने से उसको लूज मोशन लग सकता है और उसमें वो एक्सपायर हो सकता है। और ये चीज़ जो आप करेंगे, सॉफ्ट फूड उसको देंगे बजीज को देंगे, लेकिन सॉफ्ट फूड के साथ आप सीड्स को भी मतलब पूरा अवेलेबल रखेंगे ताकि बजीज को सॉफ्ट फूड खाना हो तो सॉफ्ट फूड खाए या फिर सीड्स मिक्स सीड हो, जो भी सीड्स हो जैसे कांगनी हम लोग देते हैं, तो वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि बजीज को जो पसंद हो वही वो खाए।
और इससे भी आपका मतलब चिक्स मतलब मरने का चांस कम होता है। और जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग देखते हैं कि नेस्ट बॉक्स के अंदर चिक्स का पॉटी वगैरह है, तो हम लोग उसको साफ़ कर देते हैं। तो ये आप तभी साफ़ कर सकते हैं जब आपको दिखे कि वो नेस्ट बॉक्स के अंदर पूरा गीला गीला पॉटी हो गया है, थोड़ा सा कीचड़ टाइप का हो गया है, तभी आप उसको चेंज करेंगे। इधर जैसे वो सूखा रहता है एकदम वाइट कलर का रहता है, एकदम सूखा रहता है, तो वो जब सिचुएशन रहेगा तो उसको आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो बच्चे को ठंडा लगने से बचाता है और उसमें बच्चा कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें चिक्स एकदम आराम से रहता है। और एक चीज़ जो हम लोग मतलब बात करेंगे और एक चीज़ में, वो है मेडिसिन जो है आप जब देंगे बजीज का चिक्स जो है, कम से कम सात दिन हो जाने के बाद आपको मेडिसिन देना है। उससे पहले आपको बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं देना है। अगर आप 7 दिन से पहले मेडिसिन देंगे चिक्स को तो उसको एक्सपायर होने का चांस रहता है, क्योंकि बजीज जो है चोंच में पानी ले जाके बच्चा को मेडिसिन पानी जो है देगी, तो उससे क्या होगा, अगर एक्सेस मेडिसिन बच्चे को मतलब बच्चे के शरीर में चला गया तो बच्चे का चांस रहता है कि वो एक्सपायर हो जाएगा। तो कम से कम 7 दिन के बाद ही आप जो कॉलोनी में बच्चा है, 7 दिन के बाद ही आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं। उससे पहले आप केज में मेडिसिन नहीं देंगे। अगर मेडिसिन देते हैं तो बजीज चिक्स एक्सपायर होने का चांस लेकिन बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो है एक नॉर्मल सा चीज़ है, जैसे आप पानी या फिर जो सीड्स का पॉट है उसको अगर आप साफ़ नहीं रखेंगे तो जो पैरासाइट्स होता है वो पानी में सबसे जल्दी अटैक करता है। तो पानी का पॉट को आप एकदम अच्छे से साफ़ करेंगे और हर बार साफ़ करके ही देंगे, क्योंकि अगर पानी का पॉट आप साफ नहीं करेंगे तो बहुत चांस रहता है कि पैरासाइट अटैक होगा और बच्चा मरने का चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और दिन में आप कम से कम 2 बार हर छः घंटे में आपको पानी को बदलना है, और उसी से आपका चिक्स जो है उसका जो मरने का चांस है बहुत कम हो जाएगा। 100% तो आप कॉलोनी में कभी भी चिक्स को मरने से नहीं बचा सकते, क्योंकि कॉलोनी ब्रीडिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। सेपरेट केज में ये चीज़ नहीं होता है, लेकिन कॉलोनी ब्रीडिंग में आप ये सब जो हम आपके साथ डिस्कस किए ये अगर आप उसको इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा आपका चिक्स एक्सपायर होना और आपका ब्रीडिंग का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। और एक चीज़ हम बताना आपको भूल गए, जैसे 7 दिन बाद जैसे चिक्स का 7 दिन हो जाता है, उसके बाद आप केज में थोड़ा सा बॉयल्ड राइस और बॉयल किया हुआ गेहूं ये दे सकते हैं। ये देने से बच्चे का डाइजेस्टिंग जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और इन लोगों का ग्रोथ में भी बहुत हेल्प होता है। लेकिन आप सॉफ्ट फूड जो दीजिएगा ये दोनों, ये आप इसके साथ साथ आपको सीड्स भी केज में अवेलेबल रखना है ताकि बजीज को जो भी दरकार पड़े वो ये ले। और दूसरा है कि आप जरूर से जरूर ग्रीन लीव्स जरूर दीजिएगा, इसमें जो है ना आपका बजीज को विटामिन D3 का कमी महसूस नहीं होगा। और इसमें पालक ना ही दे तो बेहतर है, बाकी जो ग्रीन लीव्स है वो सब दीजिएगा, इससे आपका बजीज का चीज का मरने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो और भी कोई आपको अगर जानना होगा तो मेरे को कमेंट्स करके पूछिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी जानकारी मिलेगा। धन्यवाद।